आज हम इस शॉप पर पता करते हैं कि आज हमें ये क्या ट्राई कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से पूछते हैं मैम से कि हमें ये क्या आज टेस्ट कराने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगा, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम ममता रानी। ममता रानी है। और दूसरा, आज हमें आप क्या टेस्ट कराने वाले हैं, आपके पास क्या लेटेस्ट है आज? आज मैं वेज मैगी। वेज मैगी। तो वेज मैगी का जो आपने प्राइस रखा हुआ है, नॉर्मली कितना प्राइस है? 30 रुपीज़ पर प्लेट। 30 रुपीज़ पर प्लेट। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देखते हैं मैगी की मेकिंग और किस तरीके से बनाने का इनका प्रोसेस है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देखते हैं इसकी मैगी की मेकिंग और देखते हैं इनके पास में क्या क्या रखा हुआ है। मैम जरा बताएंगे हमारे फ्रेंड्स को कि आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं अभी? ये है टमाटर, ओके, प्याज, स्वीट कॉर्न, हरी मिर्च, मसाला, मटर, शिमला मिर्च, पनीर और बटर। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अब इसकी देखते हैं मेकिंग। सबसे पहले हम एक पैन में मैगी को बाउल करेंगे, ओके। थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक तरफ ये बाउल होती रहेगी और दूसरी तरफ हम इसको रेडी करने के लिए गैस ऑन करेंगे और थोड़ा सा सिम करके इसमें थोड़ा पनीर मक्खन डालेंगे। और देखिए भाई साहब, मक्खन भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी डाल रखी है, कम है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी डाल रखी है मक्खन की। मक्खन गर्म होने के बाद में तो इसमें मैडम टाइम कितना लग जाता होगा मैगी रेडी होने में हमारी? हार्डली 10 मिनट। 10 मिनट, हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, हाँ। देखिए, और जो इसका प्राइस भी इतना रिजनेबल है, प्राइस के भाई साहब, एक नॉर्मल बंदा भी और नॉर्मल कैटेगरी का आदमी भी आकर बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकता है। और फटाफट से देखिए मैम ने इसके अंदर क्या क्या डाला है। प्याज डालेंगे थोड़ी सी, ओके, तो ये फ्राई होने के लिए प्याज वगैरह। थोड़ी सी कैप्सिकम डालेंगे इसमें, साथ के साथ ये बाउल जो हो रही है इसको भी हम टर्न करते रहेंगे और थोड़े से इसमें टमाटर, हरी मिर्च, मटर और स्वीट कॉर्न। तो देखिए दोस्तों, इंग्रेडिएंट भी काफ़ी अच्छे सारे डाले हैं इसमें मसालों के साथ। अब इसमें जो मैगी मसाला आता है, एक पाउच हमने वो डाला, हल्का सा इसमें वाटर मिक्स करेंगे इसको पकने के लिए। तो दोस्तों, हमारी मैगी रेडी हो रही है और बस कुछ ही टाइम जा रहा है इसके अंदर। मैगी, ये मसाला आपका मैजिक मसाला। मैजिक मसाला, यस। थोड़ा सा इसको डाला ताकि इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए, यम्मी हो जाए। अब थोड़ा सा इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और इधर इसको भी हम देखते रहेंगे। इसका एक एक नूडल्स ऐसे खिलना चाहिए, एक एक नूडल खिल जाएगा इसका, साथ में ही हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से भैया की शॉप पे ज़रूर आइए दोस्तों, क्योंकि बनाने का जब इतना इनका अच्छा तरीका है तो जाहिर सी बात है बनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा लजीज होने वाली है हमारी मैगी। सारे नूडल्स इसके एक एक हो जाते हैं, इधर हम इसको चला दे रहे हैं। बॉयल हो गए हैं हमारे, गैस बॉयल हो चुकी है, इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अच्छे से इसको स्टार करेंगे, मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जितनी देर में हमारी ये मैगी रेडी होती है तो मैडम से आइए एक बारी, हम यहाँ का एड्रेस एक बारी दोबारा अपने फॉलोअर को कंफर्म करा देते हैं कि जिससे यहाँ पर आने वाला बंदा जो भी है, एक्स वाई जेड कोई भी आता है, तो आने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो बंदे को। तो मैम, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा
जो यहाँ का एड्रेस है वो एड्रेस एक बारी कंफर्म करा दीजिए। ये है शाहदरा मंडोली रोड, ठीक है, बुद्ध बाजार। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए मैगी हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। ऐसे गैस ऑफ किया दोस्तों, जो इसकी खुशबू भी है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं इसे प्लेट के अंदर रेडी, यानी कि मैम इसको प्लेट के अंदर रेडी कर रही हैं, उसके बाद करेंगे हम इसके टेस्ट। इसके अंदर मैम रेडी हो चुकी है अभी कुछ? हाँ, और भी है इसका। अभी इसमें हम पनीर का लगाएंगे थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, क्वांटिटी भी मैम ने क्या बढ़िया डाली है पनीर की। थोड़ा सा, और ये क्या है इसके ऊपर? धनिया, ये मसाला, और इसके ऊपर फिर से थोड़ा बटर लगाएंगे, और ये हमारी यम्मी मैगी रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी मैगी हो चुकी है रेडी, और अब करने वाले हैं हम इसे ट्राई। तो चलिए दोस्तों, देखिए लच्छे भी काफी अच्छे आ रहे हैं, और अब मैं करने वाला हूँ इसे टेस्ट। दोस्तों टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और मेरा सबसे एक यही कहना होगा कि भैया की शॉप पे, भैया मैम दोनों ही शॉप पे मिलेंगे, एक बार ज़रूर आइए शॉप पर और आकर टेस्ट करिए। और इनकी दुकान की जो एक नेक्स्ट वैरायटी है वो मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूँगा, पर उससे पहले यहाँ पर आइए टेस्ट करिए, और आने के बाद में जो भी आपका टेस्ट का नज़रिया है वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। और दोस्तों एक चीज़ को और करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं दोस्तों, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो ऑल फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मैम की शॉप पे कुछ कस्टमर भी खड़े हैं, तो और ये कस्टमरों का रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ का उनको टेस्ट कैसा लगा, यानी कि मैगी का। तो सर आपको यहाँ की मैगी कैसी लगी? सर जब घर पे बनाते ऐसी नहीं बनती, लेकिन ये खा के मज़ा आ गया। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ के कस्टमर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ मैगी काफ़ी हद तक उन्हें टेस्टी लगी और काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर एक बार शॉप पर ज़रूर आइए और आकर खुद टेस्ट करिए।